नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टेक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी सिलीगुड़ी। संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसान को निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। इंटरनेशनल फर्नीचर अनबीटेबल प्राइस, विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। सिलीगुड़ी में जल संकट दूर करने की पहल शुरू। प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य आलोक चक्रवर्ती ने किया फुलबाड़ी जल परियोजना का किया दौरा। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड शहर में पेयजल संकट को दूर करने की पहल शुरू कर दी है। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य आलोक चक्रवर्ती ने मंगलवार को फुलबाड़ी जल परियोजना का दौरा किया। बता दें कि फुलबाड़ी से सिलीगुड़ी शहर में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। दूसरी ओर सिलीगुड़ी शहर में लोगों की आवश्यकता से कम मात्रा में पानी की आपूर्ति के कारण पिछले कुछ वर्षों से शहर में पेयजल संकट पैदा हो गया है। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य आलोक चक्रवर्ती ने कहा, हमारा मुख्य उद्देश्य गजलडोबा में एक मेगा जल परियोजना का निर्माण करना है। उन्होंने कहा, फिलहाल सिलीगुड़ी में जल संकट को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सिलीगुड़ी शहर में जल संकट का समाधान कैसे हो सकता है, ये देखने के लिए आज फुलबाड़ी जल परियोजना का निरीक्षण किया गया। आलोक चक्रवर्ती के साथ जलपाईगुड़ी जिला परिषद सदस्य देबाशीष परमानिक और सिलीगुड़ी नगर निगम के जल आपूर्ति विभाग के अभियंता भी मौजूद रहे थे। এখানে আসলে আজকে আসার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এই যে সামনে মহানন্দা বেড়ে যাচ্ছে, সেই গেটের অবস্থা কিন্তু খুব ভালো নয়। জলের লেয়ার উপরে এসে গেছে, নিচে সিল্ড হয়ে যাচ্ছে, এবং ওখানে এই যে বর্ষাকালে গাছের গুড়ি টুড়ি আসে, লগ আসে, এগুলো জমা পড়ে আছে। কেন জলের তলায় তো আর ইলেকট্রিক করাত চালানো যায় না। তো এই অবস্থায় যে কোনো সময় মহানন্দা ব্যারেজের গেটটা ঠিক মতো মেনটেনেন্স না হওয়ার দরুন অঘটন ঘটতে পারে। সেই চিন্তা করেই আমাদের পুরো কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়াররা এবং পিএইচির ইঞ্জিনিয়ার সিভিল এবং মেকানিক নিয়ে আমরা আজকে সরজমিনে একটা দেখলাম এবং আমরা একটা অল্টারনেট বেড যদি করতে পারি ইনটেক তাহলে একটা সময় বন্ধ করে দিয়ে একটা ট্রাই করে আমরা ওই মহানন্দা প্যারেস তাদের মেনটেনেন্স ওয়ার্ক করতে পারি। जहरीली गैस से दो की मौत, दो घायल। निर्माणाधीन सेफ्टी टैंक की शेटरिंग खोलने के दौरान हुआ हादसा। जलपाईगुड़ी शहर के पहाड़पुर क्षेत्र में जहरीली गैस से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा है। जानकारी के अनुसार जलपाईगुड़ी के पहाड़पुर क्षेत्र के नारायण रॉय के आवास पर मंगलवार की सुबह चार निर्माण श्रमिक नए सेफ्टी टैंक की शेटरिंग खोलने गए थे। पहले एक श्रमिक नीचे उतरा, नीचे उतरते ही वहां अस्वस्थ हो गया। उसे बाहर निकालने के क्रम में एक अन्य श्रमिक नीचे उतरा, वह भी बीमार पड़ गया। इस प्रकार एक एक करके चार श्रमिक नीचे उतरे, उनमें से दो की मौत हो गई जबकि दो श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर हालत में उन्हें सेफ्टी टैंक से बाहर निकाला गया। दोनों को तत्काल जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार मृतकों के नाम अली मोहम्मद और अनंत रॉय बताया जा रहा है। जलपाईगुड़ी के पुलिस अधीक्षक देवश्री दत्ता और जलपाईगुड़ी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। सुनते মানে ছাদটা ভেঙে পড়ে গেছে, ছাদটা খুলতে গেছিল, ট্যাঙ্কের ছাদে তো ঢালাই হয় একটা, সে ছাদটা খুলতে গেছিল, খুলতে গিয়েই ছাদ ভেঙে পড়ে গেছে। এমন অবস্থা ছাদটা ভিতর থেকে গ্যাস উঠতেছে, সেই গ্যাসে ছাদটা জমেই নেই। পায়খানা কি রানিং ছিল? না না না, নতুন ট্যাঙ্কি। পায়খানার ট্যাঙ্কি দিয়ে ছাদ খুলতে গিয়ে নিচে নামে, মানে পুরো গ্যাসের জন্য অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় একজন, তারপরে আবার একজন নামাজ ওঠার জন্য নামে ও পড়ে যায়, তারপর আরেকজন নামে, এইভাবে চারজন নামলো, নাম চারজনে পড়ে আছে। তারপর আমরা যখন উঠাতে যাই নামা যায় না, গ্যাসের জন্য ওখানে থাকা যায় না। এইভাবে আধা ঘন্টায় ঘন্টা ছিল, ফায়ার ফোন করছি আসতে দেরি পাইছি, তারপর আমরা কোনো রকম ওঠায় এনে হসপিটাল নিয়ে আসলাম।
তার মধ্যে দুজন মারা গেছে। নতুন সেফটিং ট্যাঙ্ক খুলতে গিয়ে শাটারিং করা ছিল, ওই তো 20-25 দিন হয়ে গেছে একটা সেফটিং ট্যাঙ্কে যত দিন শাটারিং করে রাখতে হয়। তারপরে এরা ওই সেফটিং ট্যাঙ্কের কাঠগুলো খুলতে যায়, খুলতে গিয়ে প্রথমে আলিম মোহাম্মদ নামে, তারপরে ও যখন শর্টকট করতেছে তারপরে ওকে বাঁচানোর জন্য অনন্ত রায় নামে ওর হেল্পার ছিল, ও ছটপট করতেছে, তারপরে আর দুইজন নামে, দুজন তো মোটামুটি ডেড হয়ে গেছে এক্সপার্ট, আর দুজন মোটামুটি অসুস্থ হয়ে এখন হাসপাতালে। सिलीगुड़ी शहर के मुख्य मार्गों पर टोटो का यातायात बंद कराने की मांग को लेकर सिटी ऑटो चालकों ने किया प्रदर्शन। सिलीगुड़ी शहर के मुख्य मार्गों पर बिना नंबर वाले टोटो का यातायात बंद होना चाहिए। आज इसी मांग को लेकर शहर के सिटी ऑटो चालकों ने अपनी आवाज बुलंद की। आज सिटी ऑटो चालकों ने अपनी मांगों के समर्थन में सिटी ऑटो बंद रखकर विवेकानंद भवन के सामने प्रदर्शन किया। वहीं अपनी मांगों के समर्थन में सिलीगुड़ी महकुमा शासक को एक ज्ञापन भी सौंपा। सिटी ऑटो चालकों का कहना है कि पुरानी सिटी ऑटो की जगह बैंक से लोन लेकर नई सिटी ऑटो खरीदी गई है, जिस वजह से बैंक को ईएमआई चुकानी पड़ती है, राज्य सरकार को टैक्स भी देना पड़ता है। इस बीच लॉकडाउन की वजह से लंबे समय से सिटी ऑटो नहीं चल पा रहे थे, अब शहर के मुख्य मार्गों पर बिना नंबर वाले टोटो दौड़ते देखा जा रहा है, जिससे यातायात बाधित हो रही है। बेवजह तेल जल रहा है, इसलिए शहर के मुख्य मार्गों पर बिना नंबर वाले टोटो को चलने से प्रशासन को रोकना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो सिटी ऑटो चालकों के द्वारा बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई। हमारे गाड़ी चालान रोडे खुबी असुविधा हो जाए, गाड़ी किस्ती देवा जाच्छे ना, टैक्स इन्स्योरेंसर पैसा उठछे ना, इदानीं चारटा गाड़ी हमारे फाइनान्सारे टेने निये गेलो, जा अवस्था एखन जमी जायगा बाड़ी घर सब बिक्री करे मालिकेरा एबं ड्राइवाररा गाड़ी किस्ती भरछे, एइभाबे गाड़ी चलबे कि करे? एखन एसडीओ बाबुदेर अनुमते हमारे पुरोनो गाड़ी बदले नतून गाड़ी नेवा हयेछे। एखन जे लकडाउनेर परिस्थिति जा अवस्था, एइ अवस्थाय गाड़ी चालाय आर तेलेर जा दाम, এই অবস্থায় গাড়ি কী করে চলবে, গাড়ির ট্যাক্স ইন্স্যুরেন্স কী করে হবে? এবার গাড়ির প্যাসেঞ্জারও তো সেরকম একটা নেই, এবার রাস্তার যা অবস্থা আর তার মধ্যে জ্যাম, আর জ্যামের এক নম্বর কারণ হলো টোটো। এবার এত টাকার 100 টাকা লিটারে ডিজেল ভরে ওই জ্যামে যদি আধ ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয় সেইভাবে তো গাড়িটা চালানো যাবে না, তার মধ্যে আবার প্যাসেঞ্জার নেই, কম প্যাসেঞ্জার নিয়ে চলতে হচ্ছে, এই অবস্থায় গাড়িগুলো চালানো যাবে না। প্রধান রোড থেকে যেটা আইনি সেটা চলবে, যেটা বেআইনি সেটা চলবে না। सिलीगुड़ी में नशीली टैबलेट्स के साथ युवक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अंतर्गत एनजेपी थाने की पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर लाखों रुपयों के नशीले टैबलेट्स के साथ सिलीगुड़ी के हैदरपाड़ा निवासी रिपन पाल नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी सिलीगुड़ी से फुलबाड़ी इलाके में नशीले टैबलेट्स सहित कुछ कफ सिरप बेचने आया था। पुलिस ने गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर रिपन को मंगलवार सुबह 3 बत्ती इलाके से नशीली दवाओं के सामानों के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी को मंगलवार को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पेट्रोल के दाम 100 रुपये पर तृणमूल समर्थकों ने काटा केक। पेट्रोल के दाम 100 रुपये होने पर तृणमूल समर्थकों ने मंगलवार को पेट्रोल पंप पर केक काटकर विरोध प्रदर्शन किया। आज खोरीबारी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की ओर से पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ने के खिलाफ पंप पर विरोध प्रदर्शन किया गया। खोरीबाड़ी के एक पेट्रोल पंप पर तृणमूल समर्थक एकत्रित होकर पेट्रोल के दाम 100 रुपये होने पर विरोध स्वरूप केक काटा गया। इसके साथ ही तृणमूल समर्थकों ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इतना ही नहीं, जल्द से जल्द तेल की कीमतों में कमी नहीं होने पर उन्होंने जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी है। आज के तृणमूल कॉग्रेसर पक्ष के खड़ीबाड़ी ब्लक मदार माइनरिटी और जुब तृणमूल कॉग्रेसर पक्ष के पाम्पे एस आज के भारतवर्षर मानुष जाने आज के पेट्रोल डिजेल आज के पेट्रोल 99 টাকা 73 পয়সা 100 টাকা लगभग 100 টাকা आज के सेंचुरी करे गेछे। आज के मोदी सरकार खेल खेयाली खामा आज के पेट्रोल डिजेल মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে আমরা তৃণমূল কংগ্রেস সারা পশ্চিমবঙ্গে আমরা এই আন্দোলন করে চলছি। আজকে পেট্রোল ডিজেল দাম বাড়ার ফলে আজকে মানুষের যে দৈনন্দিন সামগ্রী খাবার চাল ডাল থেকে শুরু করে
আজকে প্রত্যেকটা জিনিসের দাম বেড়ে যাচ্ছে, ফলে মানুষের আজকে নাবিশ্বাস উঠে গেছে। মানুষ আগামী দিনে তাদের পরিবার কি করে চালাবে সেই সমস্যায় ভুগছেন। সেই জন্য আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আজকে খড়িবাড়ি ব্লক আমরা এই পাম্পে একটা কেক কেটে আমরা এই মোদীকে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আগামী দিনে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সারা পশ্চিমবাংলায় পেট্রোল ডিজেল এর মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস এই আন্দোলন করবে। যতদিন পর্যন্ত এই পেট্রোল ডিজেলের দাম কমবে না তৃণমূল কংগ্রেস এই আন্দোলন চালিয়ে যাবে। আমরা সেই জন্য এখান থেকে মোদীকে চেতাবনী দিতে চাই, এই পেট্রোল ডিজেলের দাম যদি না কমে আগামী দিনে তৃণমূল কংগ্রেসের আন্দোলন জারি থাকবে। লেতে ছোটা সা ব্রেক, ফির মিলেঙ্গে ব্রেক কে বাদ। কক্ষা 10ভি আর 12ভি কে বচ্চো কে লিয়ে হ্যায় সুনহেরা মৌকা। 10ভি কে বচ্চো কে লিয়ে হ্যায় প্যারামেডিকেল কোর্স আর 12ভি কে লিয়ে হ্যায় মেডিকেল কোর্স। কিফায়তি ফিস আর ব্যাংক কি সুবিধা কে সাথ বিভিন্ন ডিগ্রি ডিপ্লোমা হ্যায় উপলব্ধ। সবি স্ট্রিম কে বচ্চো কে লিয়ে খুলি হ্যায় AICTE KNCIC PCI দ্বারা অনুমোদিত ভারত সরকার আর রাজ্য সংকায় বেঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয় কে তহত PCI নই দিল্লি ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज, कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा, पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र ₹125 प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा ₹200 प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे, डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि, जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। संजीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने उमड़ा लोगों का हुजूम, 250 लोगों को ही मिला टीका, अधिकतर लोग लौटे खाली हाथ, लोगों में रोष का माहौल। अलीपुरद्वार जिले के जयगांव के गुलाबी देवमय भवन में मंगलवार को वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के लिए हजारों की संख्या में लोग कतार में खड़े हो गए।
हालांकि घंटों कतार में खड़े होने के बाद वैक्सीन नहीं मिलने से ये सभी निराश होकर लौट गए। अलीपुरद्वार जिले के भारत भूटान सीमा पर जयगांव गुलावी देवी भवन में इस घटना के बाद लोगों में काफी रोष देखा गया। गौरतलब है कि जयगांव विकास प्राधिकरण की ओर से कल से जयगांव गुलावी देवी भवन में वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जा रही है। आज हजारों लोग गुलाबी भवन में वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के लिए पहुंचे, लेकिन आज केवल 250 लोगों को ही वैक्सीन की दूसरा खुराक दी गई, बाकी को बिना वैक्सीन दिए लौटा दिया गया। कतार में खड़े वरिष्ठ नागरिकों ने कहा कि उन्हें इस तरह परेशान किए जा रहा है। कई लोगों ने कहा दूसरी खुराक लेने के लिए उनके मोबाइल पर मैसेज आया, आज जब वे वैक्सीन लेने पहुंचे तो देखा यहां 1000 से अधिक लोग लाइन में खड़े हैं। हालांकि जयगांव विकास प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी भूषण शेरपा ने कहा कि 1000 टीकों की दूसरी खुराक आ गई है, प्रतिदिन 250 लोगों को वैक्सीन दी जा रही है और जिन लोगों को कल टोकन दिया गया था उनका आज टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को चरणबद्ध तरीके से वैक्सीन दी जाएगी। हम आए हैं मन के सुइया लगाने के लिए, परसों भी आए नहीं मिला, तो तारिक भाई तारिक टोकन दे दीजिए, वो कल नहीं आएगा परसों आएगा चौथा रोज आएगा यही होगा, और डेली आएगा डेली मारपीट होगा, क्या फायदा होगा, जो आगे है पीछे हो जाता है, पीछे है वो आगे हो जाता है। तो आज तक 3 महीना से पार हो गया, मेरा यहाँ है लिस्ट है। पिंजरे में फंसा तेंदुआ अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी ब्लॉक के सुभाषिनी चाय बगान में कल देर रात एक तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में जा फंसा। आज सुबह स्थानीय लोगों ने पिंजरे में तेंदुआ को फंसा देखा तो तत्काल वन विभाग को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही जल्दापाड़ा वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर तेंदुआ को पिंजरे के साथ ले गए। इधर तेंदुए के पकड़े जाने के बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों ने बताया यहां तेंदुआ पिछले कई दिनों से चाय बगान व उसके आसपास के इलाकों में उत्पात मचा रहा था। जलपाईगुड़ी में कोरोना वैक्सीन लेने उमड़ी लोगों की भारी भीड़। स्वास्थ्य विभाग और जलपाईगुड़ी नगरपालिका के संयुक्त प्रयास से सोनाउला हाईस्कूल में मंगलवार को लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई। जलपाईगुड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 4 के लोगों के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया था। बताया जाता है कि वैक्सीन लेने के लिए आज यहां लोगों की भीड़ देखी गई। वार्ड कोऑर्डिनेटर नीपू शाह ने बताया कि वैक्सीन के लिए काफी संख्या में लोग यहां उमड़े, साथ ही उन्होंने कहा शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को वैक्सीन दी गई। उन्होंने बताया कि नगरपालिका के वार्ड नंबर 4 के करीब 200 लोगों को आज कोरोना वैक्सीन दी गई। आज के स्वास्थ्य दफ्तर उद्योगे और पौरसभा सहयोगित हमारे 4 नम्बर वार्डे जलपाइगुड़ी 4 नम्बर वार्डे हमारे वैक्सीनेशन काज प्रक्रिया चलते एन आज के 18+ 18-44 अब्दी तेज़ 210 जन के वैक्सीन देवा हो और 45+ 45 ऊर्ध जरा आज तरह 150 জন কে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে আর যারা সেকেন্ড ডোজ আছে মানে আগে যারা একটা ডোজ নিয়ে নিছেন এখন বর্তমানে আর এক ডোজ নেবেন তাদের জন্য 50 জনের ভ্যাকসিন আজকে কাজ করছে। প্রবেশ শুল্ক মাফ করার কি মাঙ্গ মে ছাত্রো নে কিয়া ন্যাশনাল হাইওয়ে জাম মাঙ্গে নহি মানে জানে তক আন্দোলন জারি রাখনে কি চেতাবনি। পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় কে ছাত্রো নে প্রবেশ শুল্ক মাফ করার কি মাঙ্গ কো লেকার জোরদার আন্দোলন শুরু কর দিয়া হে। प्रवेश शुल्क माफ करने की मांग को लेकर मंगलवार को छात्रों ने पंचानन वर्मा विश्वविद्यालय स्टूडेंट्स स्ट्रगल कमेटी के बैनर तले कूचबिहार आईटीआई कॉलेज के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग 32 को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच प्रदर्शन के दौरान आंदोलन में शामिल कुछ छात्रों पर टीएमसीपी समर्थकों द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने इसके विरोध में कूचबिहार आईटीआई कॉलेज के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग 32 को जाम कर दिया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच प्रदर्शन की खबर मिलते ही कूचबिहार थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर हालत को सामान्य करने में जुट गई। उत्तर दिनाजपुर में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के विरोध में तृणमूल कांग्रेस की ओर से साइकिल चलाकर लोगों को मुंह मीठा कराकर और प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाकर किया गया विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। उत्तर दिनाजपुर जिलों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये पार कर चुकी है। आज पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 12 पैसे था जबकि डीजल की कीमत 93 रुपये था।
यही कारण है कि आज रायगंज ब्लॉक के ग्राम पंचायत अंचल तृणमूल कांग्रेस और युवा तृणमूल कांग्रेस की ओर से पेट्रोल डीजल कीमतों में हो रहे वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन किया गया। लंबे समय से पेट्रोल उत्पादकों की मूल्य वृद्धि के विरोध में तृणमूल कांग्रेस की ओर से साइकिल चलाकर इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही पेट्रोल पंप पर जो लोग इतने महंगे पेट्रोल खरीद रहे हैं उनके इस साहस के लिए उनको मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। আমরা 11 নম্বর বীরঘই অঞ্চল তৃণমূল এবং যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পেট্রোপলনের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আমরা সাইকেল চালিয়ে এবং মোদির পুষ্পতলিকা দাহ করে এবং সাধারণ পাবলিক যারা আজকে পেট্রোল পাম্পে যারা পেট্রোল ভরছে 100 টাকা লিটারে তাদেরকে আমরা মিষ্টিমুখ করালাম এবং সঙ্গে এটা বোঝাতে চেয়েছি আমরা যে আজকে যেভাবে পেট্রোপণ্যের মূল্য 100 টাকা সেঞ্চুরি করেছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘরের মা বোন থেকে শুরু করে আজকে চাষি থেকে শুরু করে শ্রমিক থেকে শুরু করে সবাই আজকে পথে বসার উপক্রম হয়ে গেছে। কারণ আজকে দ্রব্যমূল্য যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে সেভাবে সাধারণ মানুষ সাধারণভাবে জীবিকা অর্জন করে খেটে খেয়ে পরিশ্রম করে দিন আনি দিন খায় মানুষের জীবনযাত্রা করাই আজকে দুর্বিষহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বাংলার মানুষ আমরা চাই, আমরা ভারতবর্ষ থেকে মোদিকে তার গদি থেকে সরতে হবে এবং মোদি দিল্লি ছাড়ো দিদিকে দিল্লিতে বসাবো এই প্রতিবাদ এই স্লোগান নিয়ে আমরা আজকে পথে নেমেছি। সেই উপলক্ষে আমাদের এই আজকের কর্মসূচি। আজকে লিয়ে বাস ইতনা হি, তমাম খবরগুলি দেখতে রহিয়ে এসকে লাইভ, আপকা সময় আপকি খবর, ধন্যবাদ।